हम फिर दोबारा दिल्ली ओलंपिक गेम्स का आयोजन करने जा रहे हैं और इसके अंदर 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे, 10,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 24 खेल होंगे, 34 डिसिप्लिन, और दिल्ली में 25 जगह पर ये होंगे जिसमें स्टेडियम भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। और पिछली बार की जो गेम्स हुए थे 2015 में वो 25 साल के बाद हुए थे, अभी हम दोबारा ये 2 साल के अंतराल के बाद, 2 साल के गैप के बाद ये गेम दोबारा कराने जा रहे हैं। जो उत्साह, जो प्लेयरों का प्रदर्शन पिछली बार आया और खिलाड़ियों के समय समय पर फोन आते रहे कि भी आप इसको दोबारा जल्दी आयोजित कीजिए, इसलिए हम इसको 1-2 महीना पहले करने वाले थे, लेकिन कुछ चैंपियनशिप्स वगैरह क्लैश कर रही थी तो अभी उसको दिसंबर में आयोजित कर रहे हैं। पिछली बारी दिल्ली सरकार ने 90,00,000 रुपए प्लेयरों को प्राइज मनी दिया था, जो हमने सभी प्लेयर्स को बाई चेक दे दिया, और 75,00,000 रुपए की स्पोर्ट्स डे दिल्ली प्लेयरों को स्टेडियम के अंदर ही सबको वहीं पर वितरित की गई थी तालकटोरा स्टेडियम में। अब की बात, मुझे उम्मीद है कि सरकार 2 करोड़ रुपए कम से कम प्लेयरों को प्राइज मनी देगी और 1 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स किट देगी। ओपनिंग सेरेमनी 9 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में 11 बजे होगी और क्लोजिंग सेरेमनी 18 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में 4 बजे होगी। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जरूर है, लेकिन अभी तो फिलहाल 2 साल में इसलिए किया कि स्टार्ट ही 25 साल के बाद किया था, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला हमारे को, प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा उत्साह रहा और अच्छा प्रदर्शन रहा प्लेयरों का। लेकिन काफ़ी दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है, नेशनल चैंपियनशिप्स है और सब गेमों की, क्योंकि इसके अंदर सारे गेम इन्वॉल्व हैं, तो उसको देखते हुए 1 साल में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर साल होने चाहिए वो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ हर साल होने चाहिए। इन गेमों से फ़ायदा हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा मैंने जो पिछली बारी जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनसे ज़्यादा अब की बारी पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे। बच्चे खुद पूछते हैं खिलाड़ी कब होंगे, अब बच्चों का खेलने का मन करता है, एक दूसरे को देख के जब मेडल जीतते हैं तो उनको देख के करता है, तो धीरे धीरे जब खिलाड़ी बढ़ेंगे तो फिर परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी। अभी 10,000 तो है ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सर कब से कब तक चलेगी ये? 9 दिसंबर से 18 दिसंबर 2017 जो जैसे दूसरे राज्यों में स्पोर्ट है प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट है, अभी दिल्ली में उतनी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी पहली बार जो है दिल्ली सरकार ने, मेरे ख्याल में मेरी याद में तो किसी को नहीं दिए पैसे, पहली बार में इस सरकार ने पैसे दिए प्लेयरों के लिए, स्पोर्ट्स किट भी दी और कैश प्राइजेज भी दिए। तो मुझे उम्मीद है अब की बारी भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इस प्राइज मनी को डबल किया जाए जिससे प्लेयरों को कोई फायदा हो। Top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values.